क्या आपने भी अपने घर के मुख्य द्वार पर शीशा लगा रखा है? या फिर सोते समय कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके जीवन पर बुरा असर डाल रही हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ये आम आदतें कैसे आपके जीवन में अशांति और आर्थिक तंगी ला सकती हैं। इस वीडियो में जानें इन रहस्यमयी कारणों के बारे में जो आपकी तरक्की में बाधा बन सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर शीशा लगाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि शीशा किसी भी प्रकार की ऊर्जा को वापस मोड़ देता है, जिससे नकारात्मकता तो दूर होती है लेकिन सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से तरक्की में बाधा आती है। आपको महसूस होगा कि एक समय के बाद धन की कमी होने लगेगी और कार्यों में असफलता मिलने लगेगी। ऐसे में वास्तु के अनुसार शीशा को मुख्य द्वार पर लगाना अशुभ माना गया है। कई बार लोग सजावट के लिए मुख्य द्वार पर शीशा लगा लेते हैं, लेकिन यह आपके घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। इससे घर में शांति की कमी होती है और अशांति बढ़ने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने से पहले अपने बेड के पास चप्पल नहीं उतारनी चाहिए। हमारे पैरों में दोनों तरह की ऊर्जा होती है और बेड के पास चप्पल उतारने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हमेशा ध्यान रखें कि अपने बेड का सिरहाना खाली न छोड़ें। ऐसा करने से राहु का प्रभाव बढ़ता है और बुरी शक्तियां आपको परेशान कर सकती हैं। सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सिरहाना सजा कर रखें। रात को सोने से पहले आक्रामक चीजें नहीं देखनी चाहिए, इससे मन अशांत होता है और राहु का बुरा असर भी हो सकता है। अपने मन को शांत रखकर ही सोने जाएं। इन वास्तु और ज्योतिषीय नियमों का पालन करके आप अपने जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव भी आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। तो क्या आप इन उपायों को अपनाने के लिए तैयार हैं?